हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अकलमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अकलमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो न सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें वह पा न सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वह उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अकलमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे पाले के नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उसने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें ये तीन सीख मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांवों तले दबे हुए हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है।